तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में यार हम बनाने वाले हैं सिर्फ 25 रुपए में ग्लूगन बनाकर आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉलेजबल एंड इंटरेस्टिंग तुमसे ना हो पाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। इसीलिए यार इस वीडियो को पूरा जो देखना ताकि एक भी पार्ट स्किप ना हो और आप पूरी तरीके से सीख जाओ ग्लूगन बनाना। तो ज्यादा बात ना करते यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो आप तक इसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सोलो वीडियो फ्रॉम ऑन दिस दोस्तों सबसे पहले हमें ग्लूगन का हीटिंग एलिमेंट ले लेना है गाइज, और ये सिर्फ 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। किसी भी मार्केट में आप जाकर ले सकते हो। इसके अंदर लगे हुए रॉड को गाइज निकाल लेंगे एंड उसके बाद गाइज हम इसको एंड गाइज हम इस तरह के लकड़ी लेंगे, उसके ऊपर इसको लगा कर कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। एंड यहाँ फिक्स करने के बाद गाइज हमें इसको उसके बाद गाइस हम इसको लेके कॉपर वायर से अच्छे तरीके से इसको हमें बांध लेना है मजबूती के साथ। इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह से चिपका देंगे गाइस सुपर ग्लू गन के साथ, इसे काफी मजबूती के साथ इसको हमें। उसके बाद गाइस हमें इसको उठाकर कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें इसको लगाकर चिपकाना है सुपर ग्लू गन की सहायता से ही। एंड तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया है। एंड तो दोस्तों उसके बाद हमें सिंपल सा प्लग ले लेना है, कुछ इस तरह से वायर एंड प्लग लेना है, उसके बाद इसके अंदर हमें जोड़ देना है। तो ये भी चीज़ें हम फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले इसको निकालेंगे एंड दोस्तों इस वाले वायर को उठाकर किसी में भी जोड़ सकते हैं। इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यार इसमें एसी 220 वोल्ट करंट आएगा या 40 वाट का हीटिंग एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमें जोड़ लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद गाइस हम इस पर टैपिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाइस हमारा स्टैंड ग्लू गन बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बस इसके अंदर एक कमी है, इसका स्टैंड लगा देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से अपने गोड़ पर खड़ा हो जाए कुछ इस तरह से। तो इसका पैर लगा देते हैं काफ़ी जी गाइस, यहाँ पर मैंने छेद कर दिया है एंड यहाँ पर। तो फाइनली ये अपना पैर पर खड़ा हो गया, कुछ इस तरह से ये ग्लू गन काम करेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ग्लू गन का रॉड को उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं एंड इसे डालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर इसके बिल्कुल आर पार दिख रहा है। एंड लगा कर रख देगा, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद एक से डेढ़ मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ये गर्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा स्टेट ग्लू गन जो मैंने बनाया था काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको कुछ चिपका कर दिखाता हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि यह काम करता है या फिर नहीं करता ठीक से। इस वाले मोटर को अच्छे तरीके से चिपकेगा तो अब देखना गाइस। आइडिया काफ़ी सिंपल सा गाइस जिसको हमें लेना है एंड
गाइस मैं पीछे से इसको दबाना पड़ेगा, बस इतना ही करना है इसके अंदर। और आप देख सकते हो गाइस इसको लगा कर मोटर को चिपका देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो गाइस इतना मजबूती के साथ ये चिपक गया है, बहुत ही स्मूथ आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये चिपक गया है ग्लूगन की सहायता से, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस ये काम करता है। तो आप बना सकते हो एंड गाइस इसमें करंट मारने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है, कोई डर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ गाइस ये चिपक गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया ये ग्लूगन कितने अच्छे तरीके से काम करता है गाइस, इसका स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इसका स्टैंड है। एंड गाइस इसमें करंट मारने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है, यानी कि करंट नहीं मारेगा, आप इसको लगाओगे तब भी कहीं पर भी छोड़ोगे करंट बिल्कुल ही नहीं मारेगा, क्योंकि यार इसका एलिमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, इसलिए ये करंट नहीं मारता है एंड ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर गाइस आप सस्ता टिकाऊ माल बनाना चाहते हो जुगाड़ की सहायता से तो आप इसको बना सकते हो एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ एक लाइक कर दे वीडियो को, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। तो आज का वीडियो हम यहीं पर छोड़ देते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय।